तो हाँ गुरु, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 न्यू हिंदी डब एनिमेस के बारे में जो अभी अभी हिंदी डब होके आए हुए हैं। और भाई साहब, भाई लोगों, उसके अंदर हम लोगों को कुछ अलग ही लेवल की हिंदी डब देखने के लिए मिली है। मैं टॉप 5 ऐसे चुन चुन के हिंदी डब एनिमे देख के आया हूँ जो आप लोगों को मजे देने वाले। अब वो कौन से एनिमे हैं, आप लोग कहाँ से देख पाओगे, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो, और मुझे इंस्टाग्राम पे ऊपर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर और मैंने वो उसके अंदर इंस्टा का लिंक दे रखा है, तो जाके भाई फॉलो कर लो यार। हाँ गुरु, अब बात कर लेते हमारे टॉप 5 हिंदी डब एनिमेस के बारे में। और गाइस, नंबर 5 पे जो एनिमे आता है, नंबर 5 जो एनिमे आता है उसका नाम है डॉक्टर स्टोन। और मैं आपको बता दूं, इस डॉक्टर स्टोन सीरीज के स्टोरीज के अंदर हम लोगों को एक धरती यानी कि एक अर्थ को दिखाया गया है जिसके ऊपर एक दिन अचानक से एक रोशनी आती है जिसकी वजह से सारे लोग, उस धरती के सारे लोग पत्थर यानी कि स्टोन यानी कि स्टैचू बन जाते हैं और हजारों साल तक वो स्टैचू बने रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो धरती है वो खंडर में तब्दील हो जाती है। वहाँ सारे जो है ना भाई साहब, मतलब पेड़ पौधे उग जाते हैं, वो जंगल बन जाती है पूरी धरती, जिसकी वजह से हजारों सालों के बाद एक लड़का जो है ना भाई साहब स्टैचू से इंसान बनता है। और उस लड़के का नाम होता है शिनको इशिगामे, और वही लड़का जो है ना डॉक्टर स्टोन बन जाता है। यानी कि वही लड़का उस दुनिया के अंदर जो पत्थर जो लोग बने हुए हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता है। और इस सीरीज के अंदर हम लोगों को साइंटिफिक चीजें बहुत ज्यादा दिखाई गई है कि आप लोग विदाउट फोन कैसे रे पाओगे, यानी आप जो है ना हमारे शिनको इशिगामे यानी कि डॉक्टर स्टोन भैया किस तरह से लोगों को पत्थर से मतलब भाई साहब इंसान बनाता है, और वो क्या ढूंढ पाएगा जिसने उस रोशनी से अर्थ को जो है ना पत्थर बनाया था, क्या क्या है स्टोरी के अंदर आप लोग जाके देख लोगे आराम से। बात की जाए डॉक्टर स्टोन की तो आप लोगों को ये क्रंची रोल के ऊपर हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगा, मस्ट वॉच एनिमे है, जाके आप लोग एक बार वॉच आउट तो करना। अब बात कर लेते हमारे नंबर 4 एनिमे के बारे में, तो गाइस ये निकल के आता है ब्लू लॉक। हाँ, एक स्पोर्ट एनिमे है। मैं आपको बता दूं, ब्लू लॉक को जो है ना भाई तब हाइकू की तरह बनाया गया, लेकिन ब्लू लॉक को हाइकू की तरह मत समझना, ये अनदर लेवल का एक एनिमे है जिसके अंदर आप लोगों को फुटबॉल का मजा मिलेगा। यानी कि आप सिर्फ फुटबॉल भाई स्पोर्ट एनिमे है, फुटबॉल है भाई इसकी वजह से देखेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को इसके अंदर एनर्जेटिकली चीजें देखने के लिए मिलेगी। इस सीरीज के जितने भी कैरेक्टर है गाइस वो आप लोगों को मॉन्स्टर की तरह दिखेंगे, यानी कि मतलब फुटबॉल के अंदर जिस तरह से गोल किया जाता है उसी तरह से एक गोल करने के लिए बंदा किस तरह गिर सकता है, यानी कि अपने टीम को जिताने के लिए एक प्लेयर क्या क्या कुछ नहीं कर सकता है ब्लू लॉक एनिमे के अंदर दिखाया गया। इसकी स्टोरी लाइन अलग लेवल अनदर लेवल की है, और इसका जो गेम है वो अनदर लेवल का है। आप लोगों को सिर्फ इसके स्टोरी लाइन को देखना है जो आपका दिमाग हिला के रख देगा। और बात की जाए हमारे ब्लू लॉक एनिमे की, तो गाइस आपको बता दूं हिंदी डब में आप लोगों को ये जो है ना क्रंची रोल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं आप लोगों को एक बार इस सीरीज को देखना चाहिए, वो मॉन्स्टरस मतलब कैरेक्टर के मॉन्स्टरस मतलब चीजों को देखने के लिए। तो गाइस अब बात कर लेते हमारे थर्ड नंबर के एनिमे के बारे में, तो गाइस वो निकल के आता है बुचीगिरी। अगर आप लोगों को नारुतो की तरह एक एनिमे देखना है तो गाइस आप लोग बुचीगिरी को देख सकते हो। बात की जाए बुचीगिरी की सीरीज की यानी कि एनिमे सीरीज की स्टोरी के बारे में, तो इसके अंदर हम लोगों को एक मतलब एनिमे कैरेक्टर यानी कि मेन कैरेक्टर दिखाया गया जिसका नाम है अर्जुन। और मैं आपको बता दूं अर्जुन को जो है ना भाई साहब एक क्यूट सी लड़की चाहिए प्यार करने के लिए, और जब वो अपने क्लास के अंदर जाता है फर्स्ट टाइम तो उसे क्यूट सी लड़की देखने के लिए मिलती है, लेकिन उस क्यूट सी लड़की के पीछे पूरा क्लास के मतलब लड़के मतलब पागल हुए पड़े, यानी कि एक तरफ जो है ना पढ़ाई एक तरफ चल रही है और उस लड़की के लिए मतलब लोग अलग लेवल की लड़ाई कर रहे हैं। मतलब एक लड़की के लिए क्या क्या लोग कर सकते हैं आप लोगों को इस सीरीज के अंदर पता चल जाएगा। इतने सारे ठड़की मतलब लड़के है जो एक लड़की के पीछे पड़े हुए, अब क्यों पड़े हुए है। और इसके अंदर हम लोगों को जो है ना भाई साहब जिन को भी दिखाया गया, वो जिन क्या करता है, अब जिन मतलब जिनी जो जिन वो नहीं भाई साहब, हमारे अर्जुन के साथ एक जिन भी रहता है। अब वो जिन उसके साथ क्यों रहता है, किसकी वजह से रहता है, आप लोगों को बुचीगिरी एनिमे देखने के लिए मतलब देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग क्रंची रोल के ऊपर से देख सकते हो, हिंदी डब में आराम से देखिएगा, आराम से टाइम लेके देखिएगा। गुरु अब बात कर लेते हमारे नंबर 2 के एनिमे के बारे में, जैसे मैं नंबर 1 के ऊपर भी रखने वाला था क्योंकि इस एनिमे के अंदर आप लोगों को एक्शन थ्रिलर मतलब भाई साहब सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और गाइस इस एनिमे का नाम है समर टाइम रेंडरिंग, और आप लोगों को जो है ना टाइम ट्रैवल, आप लोगों को जो है ना भाई साहब एक्शन थ्रिलर ट्विस्ट सब कुछ देखना है तो आप लोगों को इस सीरीज के अंदर देखने के मिल जाएगा, खासकर मैजिक। बात की जाए इस सीरीज की स्टोरी की, तो गाइस इस स्टोरी के अंदर हम लोगों को एक कैरेक्टर को दिखाया गया, एक मेन कैरेक्टर को जिसका नाम है सिनपे, जो अपने दोस्त को मतलब दोस्त के फ्यूनरल के लिए मतलब 2 साल के बाद अपने गांव के अंदर आता है। और जब वो अपने गांव के अंदर एंट्री लेता है तो उसे पता चलता है कि भाई साहब उसकी दोस्त की जो है ना भाई साहब हत्या की गई है, ना कि उसकी मौत सुसाइड या कुछ किसी को बचाने की वजह से नहीं हुई है, उसकी दोस्त की
की हत्या की गई है। अब उसकी दोस्त की हत्या किसने की है वो जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। इस सीरीज के अंदर हम लोगों को सायो को दिखाया गया है और खासकर जो सीन पे है गाइस वो जो है ना टाइम ट्रैवल कर सकता है, यानी कि वो पास्ट के अंदर जा सकता है और बहुत सारी चीजों को बदल सकता है। अब वो पास्ट के अंदर कैसे जा सकता है और जब आप लोग एपिसोड देखना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को लगा कि भाई साहब हम लोग एक ही एपिसोड को रिपीट टेलीकास्ट में क्यों देख रहे हैं। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को इस एनिमे को देखने के बाद पता चल जाएगा। इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे साये यानी कि हमारी तरह दिखने वाले इंसानों को भी दिखाया गया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एनिमे को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। बात की जाए समर टाइम रेंडरिंग की तो गाइस आप लोग इसे हिंदी डब में मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख पाओगे, वो भी आराम से देखिएगा और टाइम लीजिएगा। बात कर लेते हमारे नंबर वन एनिमे के बारे में जो निकल के आता है विंडलैंड सागा। भाई साहब इस एनिमे के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इस एनिमे सीरीज के अंदर हम लोगों को एक मेन कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम है थॉरफिन। और मैं आपको बता दूं थॉरफिन के सामने जब वो बच्चा में छोटा सा लड़का रहता है उसके सामने ही उसके पिता को मार दिया जाता है। अब उसके पिता कौन थे क्या थे आप लोगों को इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और जब उसके पिता को उसके सामने मार दिया जाता है तो थॉरफिन शपथ लेता है कि भाई साहब यानी कि उसके पिता का जो दुश्मन है उसे मारने के लिए मतलब दिन रात ये कर देगा। और गाइस उसको उसके दुश्मन को मारने के लिए जो थॉरफिन है उसके दुश्मन के साथ ही रहता है। और गाइस एक फन फैक्ट यह है कि वो उस दुश्मन की बातों को भी मानता है और उसके दुश्मन को यह भी पता रहता है कि भाई थॉरफिन जो है उसे मारना चाहता है। और ये ऐसा क्या क्या क्यों किसकी वजह से हो रहा है, वो दुश्मन उसे क्यों रख रहा है, आप लोगों को इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। आगे जाके थॉरफिन के साथ क्या होगा और इसका सीजन 1 इतना धमाकेदार है तो भाई साहब इसकी सीजन 2 की बात भाई अलग ही लेवल का इसका सीजन 2 है। मतलब इस सीरीज के अंदर खून खराबा क्राइम एक्शन थ्रिलर आप लोगों को इमोशन भर भर के देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग इसे आराम से देख पाओगे क्रंची रोल के ऊपर हिंदी डब में। एक बार वॉच आउट जरूर से कीजिएगा, जितने भी एनिमे मैंने बताया है मैंने खुद देखे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को मैं अच्छे से बता पा रहा हूं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो। मित्र ऐसे इंटरेस्टेड के अंदर जय हिंद वंदे मातरम दत्ते वायु।